हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है अदिति और आपके लिए रोज सुबह 11:15 बजे लेके आती हूँ आईसीटी की क्लास। आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटर्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे थे और एक्चुअली में काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक ये रहता है, इसलिए पहले बीच में नेटवर्किंग के ये टॉपिक लेके आई हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो सके। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो जैसा आप जानते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंटर्स के बारे में। आवाज इज नॉट क्लियर, चलिए मैं ईयरफोन्स लगा के बताती हूँ, आप बताइएगा कि क्लियर है क्या। आवाज अब क्लियर आ रही है आप लोगों को? अभी क्लियर आ रही है, पहले क्लियर आ रही थी? जल्दी से बता दो आवाज के लिए, बता दीजिए एक बार। बीच में क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है फिर आवाज की वजह से। आज तो टोपोलॉजी बिल्कुल करवाने वाले थे, टोपोलॉजी और केबल, बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे लगा कि एक बार ये कर लेते हैं डिस्कस, आज खत्म कर देंगे या नहीं तो दो वीडियोस काफी होंगे आपके लिए प्रिंटर्स के। पहले अच्छी थी, पहले क्लियर थी, अभी भी नहीं आ रही है। अगर चलिए अब इको प्रॉब्लम का तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि घर से हम शूट कर रहे हैं, है ना। स्टूडियो तो है नहीं कि अभी आपको परफेक्ट एटमॉस्फेयर मिल पाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। एक बार लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में आके और अच्छे से आपका काम हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। चलिए, बस हो गया, ठीक है, मैं समझ गई। अब थोड़ा एडजस्ट आप भी कर लीजिएगा। चलिए, तो प्रिंटर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हम प्रिंटर्स के बारे में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि प्रिंटर्स क्या होते हैं। ये तो खैर हम सभी को पता है कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, एक तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है, एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, तो आपका डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा है उसे कन्वर्ट करती है टेक्स्ट फॉर्म या फिर ग्राफिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे देती है बेसिकली, है ना। हार्ड कॉपी जब हम निकालना होती है, हमें किसी भी डिजिटल डेटा की हार्ड कॉपी जब हमें निकालनी होती है तो हम यूज करते हैं प्रिंटर्स का, ठीक है ना। तो यही मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो प्रिंटर्स है वो क्या होता है, एक एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है जो डेटा लेती है कंप्यूटर में से और आउटपुट जनरेट करती है ना। डेटा लेती है और आउटपुट जनरेट करती है टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में पेपर के ऊपर। आपने सभी ने देखा होगा A4 साइज का यूजुअली होता है, A4 साइज, A5 साइज, है ना। आउटपुट आपके पास आता है लीगल फॉर्म, एक लीगल पेपर होता है, लीगल फॉर्म में भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं। आप सभी ने बहुत यूज किया होगा, है ना, स्कूल प्रोजेक्ट्स के अंदर, कॉलेज प्रोजेक्ट्स के अंदर, सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर हमें प्रिंट आउट निकालने होते हैं। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग सिर्फ नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। जैसे मैंने आपको बोला था कि आईसीटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या जो बेसिक कंप्यूटर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो और भी एग्जाम दे रहे हैं। तो चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आपका IBPS का हो, चाहे वो आपका SBI का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो पटवारी का हो, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, सभी में कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं। और उनमें से एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर स्ट्रीम है वो है प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से हर साल हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, है ना। हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स लाइव आ सके हमारे।
आवाज डबल आ रही है, इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास, है ना। तो चलिए बात करते हैं प्रिंटर्स किन किन तरीके के होते हैं। प्रिंटर्स पहले तो होते हैं आपके, देखो दो बेसिक तरीके के प्रिंटर्स आपके सामने आते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें लिखा हुआ है इम्पैक्ट, यानी कि ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज करते हैं जो इम्पैक्टफुल होता है, पता चलता है कि प्रिंटर काम कर रहा है। जबकि जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनमें इम्पैक्ट पता नहीं चलता है। मतलब क्या है, टेक्निकल टर्म्स क्या है वो आगे जाके देखेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, एक तो होता है जिसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब क्या है, पता चल रहा है कि प्रिंटर काम कर रहा है, और एक होते हैं हमारे ऐसे प्रिंटर्स जो एकदम बोलते हैं इसको मक्खन के जैसा काम करते हैं, जिसमें पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या काम हो रहा है, हमको बिल्कुल खबर नहीं होती है ना। तो ऐसे दो तरीके के हमारे प्लॉटर्स और प्रिंटर्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। अभी प्रिंटर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। पर इससे पहले कि हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़े और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़े, मैं आपको जैसा पता है कुछ नया आपके लिए लेके आती हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये डायग्राम समझना आपके लिए जरूरी होगा कि जो प्रिंटर्स होते हैं ना उनको हम देखो किसी भी मशीन को आप कैसे करते हो, कैसे उसकी एफिशिएंसी को जो है मेजर करते हो कि उसकी स्पीड कितनी तेज है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, यही सब पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे आप किसी मशीन को अच्छा बोलते हो या खराब बोलते हो। तो प्रिंटर्स के लिए हमारे लिए दो चीजें क्या होगी, एक तो उसकी स्पीड कितनी है, एक उसकी कॉस्ट कितनी है और एक उसकी क्वालिटी क्या है ना। ये तीन चीजें होती है जो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रिंटर अच्छा होता है। तो मैंने सबसे पहले लिए स्पीड के बिहाफ पर हम चेंज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी देख सकते हैं, इको हो रहा है, मैं ईयरफोन लगा के एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। अभी बताइए मुझे एक बारी, ईयरफोन लगाने से मुझे लगता है इको नहीं होगा। बिल्कुल सही बात सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, सिर्फ यही सोचते रहोगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कभी आपका नहीं पल्ले पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट आप करिए, हम तो कर ही रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाने के पूरे एफर्ट्स करती हूँ, पर आप थोड़ा एडजस्ट आप भी करिए। कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, मैं थोड़ा और धीरे बोलूंगी तो और ज्यादा क्लियरली सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हम लोग प्रिंटर्स के बारे में बात कर रहे थे, और कुछ तो होते हैं आपके लो स्पीड प्रिंटर, कुछ होते हैं आपके हाई स्पीड प्रिंटर। देखो बेसिकली अगर कहा जाए ना, तो जब भी आप प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं उनका काम क्या है, हार्ड कॉपी निकालना है ना, टेक्स्ट निकाल के लेके आना, ग्राफिक्स निकाल के आना, जो भी डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा है उसको हमें जब हार्ड कॉपी फॉर्म के अंदर लेके आना होता है, बेसिकली काम हमारा यहीं से चल रहा है। तो जब मैं बात करती हूँ कि टेक्स्ट आप छापते हो किसी भी पेपर पर, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो उसमें तीन तरीके की चीजें आपके सामने आती है, या तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाओ, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अदिति, तो इसको या तो आप पढ़ो ए डी आई टी आई, या तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ो, या आप एक साथ पूरा का पूरा नाम पढ़ लो अदिति, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरा एक सेंटेंस लिखा है एक पेज के ऊपर पूरा एक साथ वो पढ़ लो। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके प्रिंटर्स होते हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर सकते हैं कि एक बारी में पूरी एक लाइन प्रिंट कर दी, और पेज बाय पेज भी प्रिंट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पेज एक बारी में प्रिंट कर दिया, है ना। ऑब्वियसली जो लाइन वाला होगा, जो पेज वाला होगा, वो हाई स्पीड आपके कहलाएंगे, कैरेक्टर कैरेक्टर करने में समय ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है ना।
तो ये तीन तरीके के जो प्रिंटर्स है वो हम पढ़ते हैं। अब इन सभी में इम्पैक्ट हो सकता है, नॉन इम्पैक्ट हो सकता है, सिवाय हमारे किन के, पेज प्रिंटर्स के। पेज प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स, जो पेज पर पेज प्रिंट करते हैं, और उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए होता है लेजर प्रिंटर। एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है और भी बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आज हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, एक ऐसे प्रिंटर्स हैं जिसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग होती है। मतलब क्या होता है, जैसे आपने पुराने जमाने के अंदर देखा होगा टाइपराइटर्स, है ना। तो टाइपराइटर्स क्या करते थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनको कहा जाता था। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपको बिल्कुल सिमिलर नहीं लगाना है। देखिए होता क्या है, इसके अंदर जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, जिनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, इम्पैक्टफुल होते हैं, आपको पता चलता है कि प्रिंटर कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर एक इंक की जो रिबन होता है ना, वो अटैच होता है हमारे पेपर के साथ। तो जो पेपर होता है ना, उस पर कभी भी आप प्रिंट करते हो तो उसकी नॉइज भी क्रिएट होती है, और बहुत लाउड नॉइज वो क्रिएट होती है। जैसे टाइपराइटर्स में आवाज आती थी ना, खच्चर खच्चर खच्चर, ऐसे आवाज आती थी, तो वैसी ही आवाज जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आती है, क्या? तो जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उनका इंक रिबन से। तो हमारी इंक की ऐसी कोई सिलेंड्रिकल रिबन होती है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पेपर से। ऐसे जब वो प्रिंट करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे हो या लाइन बाय लाइन कर रहे हो, एक इम्पैक्ट जो है वो इंसान को सुनाई देता है, जो भी हमारा एंड यूजर है उसे सुनाई देता है। सो दिस टिपिकली लाउड, ठीक है ना। इंक जो मैकेनिज्म है, जैसा मैंने आपको बोला, टाइपराइटर से काफी सिमिलर होता है, ठीक है ना। मैकेनिकल फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं। आगे जाके बताऊंगी कि मैकेनिकल कौन से होते हैं और नॉन मैकेनिकल कौन से होते हैं। जो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं, उनमें हमें कौन कौन से प्रिंटर्स पढ़ने होते हैं, उनमें हमें पढ़ना होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ये बहुत बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, और डेजी व्हील प्रिंटर्स। ये दो प्रिंटर्स जो है वो बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, और इसीलिए कि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है आपसे। अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर जो आपका रिबन जो है वो आपके पेपर को डायरेक्टली हिट नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना लाउड आवाज आएगा कि जो आपका पेज पे जिसपे प्रिंटिंग प्रोसेस चल रही है उसे डायरेक्टली ऐसा हिट करके आवाज जो आ रही थी इम्पैक्ट के अंदर, वैसा हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के साथ नहीं होता। ये कैसे होते हैं, क्वाइट होते हैं कंपैरेटिवली, इतना तेज काम कर, है ना। तो ये डायरेक्टली जो होता है आपसे इम्पैक्ट इनका सुनाई नहीं देता, यानी कि ये कैसे होते हैं, थोड़े धीरे होते हैं कंपैरेटिवली। धीरे मतलब जिनकी साउंड जो है वो कम आती है आपको, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर आप मान लीजिए। कि जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनकी आवाज बहुत तेजी से आती है, बिल्कुल जैसे ही इम्पैक्ट का ध्यान आता है, याद कर लीजिएगा टाइपराइटर्स, जैसे टाइपराइटर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर क्या स्कीम यूज करी जाती है, देखिए यहाँ पर आपको यूज किया जाता है लेजर स्कीम यूज करी जाती है। लेजर आप सभी जानते हो कि लेजर क्या होता है, एक तरीके से बीम ऑफ लाइट आती है जिसकी वजह से सारा काम होता है। जीरो ग्राफिक यहाँ पर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर यूज किया जा सकता है, केमिकल फॉर्म यूज किए जा सकते हैं, आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसा नहीं करते। समझ में आ गया, जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, या ज्यादा रिपेयर जो होता है वो आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं उनमें ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, जैसे कि इंजेक्ट प्रिंटर आपका होता है ना, लेजर प्रिंटर आपका होता है, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को कि वो इंजेक्ट प्रिंटर को या फिर वो लेजर प्रिंटर को इम्पैक्ट के अंदर डाल के आ जाते हैं, या बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
दोनों ही कैसे हैं, नॉन इम्पैक्ट होते हैं, बस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों अलग तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, क्या करते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल ही मैं आपके लिए बना के लाई हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं मैंने आपको हमेशा बोला है किसी भी चीज का डिफरेंस करके अगर हम पढ़ेंगे, किसी भी चीज को डिफरेंस फॉर्म में अगर पढ़ते हो तो जल्दी याद हो जाती है चीजें, है ना। क्योंकि अगर एक याद हो गई तो दूसरी कम्प्लीटली उसकी ऑपोजिट ही होती है। देखो डिफरेंस अगर देखें तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो यहाँ पर कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्राफिक प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो स्ट्राइकिंग से हो रहे हैं। स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है, जोर जोर से पेपर को हिट किया जाता है हर एक कैरेक्टर के लिए या हर एक लाइन के लिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है आपकी डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है, स्ट्राइकिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हैमरिंग प्रोसेस यूज होती है। इट प्रिंट्स बाय हैमरिंग अ सेट ऑफ मेटल पेंस और कैरेक्टर्स है। समझ में आया कि किस तरीके से हैमर मतलब क्या होता है, हैमरिंग यहाँ पर यूज होती है। इस तरीके से जो आपकी रिबन होगा, उस रिबन पे कुछ पिंस लगे होंगे, मेटल पिंस लगे होंगे, वो डायरेक्टली हिट कर रहे होंगे कहां पर, पेपर पे, स्ट्राइक कर रहा होगा बार बार पेपर, इसी वजह से जो है वो आपकी प्रिंटिंग प्रोसेस चलती है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले से ही एक स्टोरेज होता है इंक का, जिसे फिल कर दिया जाता है। अब इस स्टोरेज को आप सभी ने अपने, अगर आपके घर में प्रिंटर्स है या फिर आप कभी बाहर जाते हो तो इसे बोलते हैं कार्टिरेज। कार्टिरेज को पहले से इंक से भर दिया जाता है और फिर आप आपकी प्रिंटिंग प्रोसेस है जो चलती है। और वंस इन अ वाइल आपको वो कार्टिरेज लेके जाना होता है और उसमें इंक दोबारा से भर के लेके आनी होती है। तो यहाँ पर कोई स्ट्राइकिंग का या हैमरिंग का पर्पस नहीं रहता है। समझ में आ गया, तो सिंपल पड़ता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज जिसके अंदर यूज की जाती है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज यूज करी जाती है आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। यहाँ पर दो वर्ड बन रहे हैं, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो गई आपकी और मैकेनिकल फॉर्म, जैसा आप जानते हो मशीन जो होती है वो सभी की सभी इसमें आती है, मैकेनिकल फॉर्म के अंदर आती है, जिनमें कोई ना कोई मैकेनिकल काम हो रहा होता है, तो यहाँ पर वो यूज किया जाता है। जो मेटल पिंस होती है वो एक तरीके से पूरी की पूरी आपकी क्या बन जाती है, एक मशीन बनती है। उन मेटल पिंस को हैमर किया जाता है हर बार, कहाँ पर, पेज पर, हर कैरेक्टर के लिए। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारी अलग टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को आप मॉडर्न प्रिंटर्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो क्वालिटी और स्पीड दोनों ही कम होती है, जबकि यहाँ पर जो स्पीड है और जो क्वालिटी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वो काफी अच्छी रहती है। यहाँ पर जो नॉइज है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर जो नॉइज है वो बहुत कम होती है। इनकी कुछ एग्जांपल्स जैसा मैंने आपको अभी बताया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं, जबकि यहाँ के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर्स। समझ में आ गया, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया गया होगा और स्टेटमेंट में डेफिनेशन गिवन होगी किसी ना किसी प्रिंटर की। बिल्कुल गलत बात है ये खान सुमेरा जी जो आप लिख रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स वी यूज एट स्कूल और होम। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्कूल या फिर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स या फिर डेजी व्हील प्रिंटर्स थे, ये पुराने जमाने के अंदर यूज किए जाते थे। अगर मैं बात करूं नए जमाने के प्रिंटर्स की तो वो सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट होते हैं। आपके घर में जो प्रिंटर लगा हुआ होगा वो डेफिनेटली इंजेक्ट होगा या फिर लेजर होगा, ये कोई सही बात नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की, ठीक है ना। सबसे इनिशियल फॉर्म्स ऑफ प्रिंटर्स थे आपके, देखो इस तरीके का कुछ दिखता था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या करता था ये, देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की कुछ इंटरनल डिटेल्स मैं लिख के लेके आई हूँ, ठीक है ना। आपके हो सकता है कि इस एग्जाम में या आगे वाले किसी एग्जाम में डेफिनेटली काम आ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको बताती हूँ कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, जो पिंस मैंने आपको बताया था मेटेलिक पिंस जो होते हैं, हैमरिंग मतलब होता है जैसे हैमर होता है हथौड़ा, हथौड़ा क्या करता है, हथौड़ा को जब आप ठोकते हो उसे कहते हैं हैमरिंग, तो इसी तरीके की आवाज आती है आपको खट 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 ऐसी आवाज आएगी। बिल्कुल इतना ही अगर लोग लगाते हैं दिमाग तो फिर क्या ही बात होती। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स यूजेस प्रिंट हेड्स कंटेनिंग 9 to 24 पिंस। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर होता है मेटल की पिंस यूज की जाती है
मेटल पिंस यूज की जाती है और उन पिंस की जो रेंज होती है वो 9 से 24 पिंस तक होती है। बेसिकली फंडा ये है, जितनी ज्यादा पिंस होंगी उतना ज्यादा अच्छा आपकी प्रिंटिंग निकल के आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। तो बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा इंपैक्ट प्रिंटर है जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। और इसके यहाँ पर आपके लिए क्या फायदा होता है, आपके लिए फायदा होता है जितनी ज्यादा मेटल पिंस होगी उतना अच्छा आपके लिए यहाँ पर रहता है। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के लिए जो पिंस है वो लगाई दी जाती है, तो ज्यादा जितनी पिंस होगी उतना क्लियर क्वालिटी आएगी और उतनी आपको बेटर जो है वो दिखेंगे कैरेक्टर्स। यही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किस तरीके से जो आपके प्रिंटर्स है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके लिए बताती हूँ यहाँ पर, कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं वो काफी इनएक्सपेंसिव होते थे, है ना। पहले के जमाने में यूज किया जाता था, अब तो ऑलमोस्ट जो है ये ऑब्सोलेट हो चुके हैं, ज्यादा इन्हें यूज नहीं किया जाता, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, है ना। और इनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से काफी बार बनता है बैंक एसओ के अंदर, बहुत बार यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है। अभी हाल ही में जब मेरा एसबीआई एसओ हुआ था तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था, प्रिंटर्स के जो स्पीड है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 100 से 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड जो है वो प्रिंट कर सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी डेजी व्हील प्रिंटर की, तो डेजी व्हील प्रिंटर्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली फास्ट काम करते हैं किन से, आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से थोड़ा तेज काम ये करते हैं। अच्छा देखिए इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो डेजी व्हील, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इसका नाम डेजी व्हील ही क्यों लिखा हुआ है। डॉट मैट्रिक्स पर तो चलो हम काम चला लेंगे ना, डॉट मैट्रिक्स से समझ आता है कि अच्छा पेन होता है और उस पेन से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, तो मान लेते हैं कि वो डॉट होता होगा, चलो तो डॉट मैट्रिक्स हमने मान ली, है ना। मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता होगा, है ना। तो इस तरीके से चलो वो तो समझ में आता है, फिर भी हमको डाइजेस्ट हो जाता है कि डॉट मैट्रिक्स किसी प्रिंटर का नाम है। अब ये सोचो कि डेजी व्हील क्यों नाम रखा हुआ है, डेजी व्हील है नो टाइपराइटर इज नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर, नो, है क्या बोल रही थी मैं, हाँ डेजी व्हील इसका नाम क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए डेजी जो होता है वो एक तरीके का फ्लावर होता है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता है, है ना, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके देखना कभी। तो डेजी जो होता है एक तरीके का फ्लावर होता है, और वो जो फ्लावर होता है ना उसकी हर एक पेटल को यहाँ पर माना जाता है कि किस तरीके से वो कैरेक्टर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यूजुअली जो डेजी व्हील होता है वो आपका लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के काम में आता है, ठीक है ना। पर एक्चुअली में इसकी स्पीड जो होती है वो काफी कम होती है, ऐसा लगेगा आपको कि जो एक एक पेटल है वो पूरी की पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देगा, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इसकी स्पीड काफी स्लो होती है। देखिए होता है इस प्रिंटर के अंदर इन ऑर्डर टू गेट अ क्वालिटी, क्योंकि आप जानते हो कि किस तरीके से आपकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी खराब होती थी, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो आपके यहाँ पर यूज आने लगे, है ना। हाँ फ्लावर होता है एक तरीके का, और ये ऐसे व्हील शेप के अंदर इसको अटैच कर दिया जाता है ताकि आपको ऐसा लगता है कि जो हर एक पेटल होगी, पेटल जो होता है आपको पता है ना, जैसे फ्लावर होता है, मेरी ड्राइंग खास कुछ है नहीं बट फिर भी मैं आपको अगर बताना चाहूँ, जैसे ऐसा कुछ फ्लावर होता है आपका, है ना, मेरी राइटिंग कुछ खास है नहीं और डायग्राम भी कुछ खास है नहीं ड्रॉइंग वगैरह, बट फिर भी पेटल्स मतलब समझते हो ना, पत्तियां जो होती है तो उसके एंड पे हमेशा ऐसा लगा हुआ होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है ना। तो जिस तरीके से वो प्रिंट होता है, तो ये भी एक तरीके का इंपैक्ट प्रिंटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होती है, हैमरिंग तो होती ही है आपकी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पेटल्स है वहां से कैरेक्टर्स ड्रॉ होते हैं, वहां पर मेटल पेन्स यूज होती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसकी जो स्पीड होती है ये टिपिकली स्लो होते हैं कंपैरेटिवली, ये डॉट मैट्रिक्स से कैसे हो रहे हैं आपके कैरेक्टर वाइज तो ये कम होते हैं, कम होते हैं कैरेक्टर्स कम ड्रॉ करते हैं, पर एक्चुअली में अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज अगर स्पीड हम निकालेंगे ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये ऐसा फॉर्म लगता है आपको जो पेटल्स होती है ना वो ऐसा लगता है कि सॉलिड लाइन को प्रिंट कर रही है ना, विच प्रोड्यूसेस सॉलिड लाइन जो मैंने लिखा हुआ है, तो ऑन एन एवरेज आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड इंक्रीज हो गई है। पर अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग की, तो जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं वो 25 से 55 कैरेक्टर्स पर सेकंड ही प्रिंट करते हैं, पर वहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो आपका बहुत स्लो चलता है डॉट मैट्रिक्स के अंदर, जबकि डेजी व्हील जो है उसका ऑन एन एवरेज फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सॉलिड लाइन एक बार में प्रिंट हो रही है, इसीलिए हम इसे मानते हैं कि ये फास्टर होता है किससे, डॉट मैट्रिक्स के कंपैरिजन में, समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो है आपका लेजर प्रिंटर्स। जो लेजर प्रिंटर्स होता है ये किसकी जैसा काम करता है, फोटो
फोटोकॉपी मशीन के जैसा काम करता है। आप सभी ने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी हो, जैसे मेरे घर में प्रिंटर प्लस फोटो सेट होता है प्लस स्कैनर होता है, वो मेरे पास है। तो उसमें बिल्कुल आप देखिएगा कि जो आपके लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो एकदम फोटोकॉपी सेट मशीन के साथ के जैसा काम करते हैं। जैसे आप फोटो सेट करवाने जाते हो और आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो रखा जाता है, वो फिर एक स्कैन करता है लेजर बीम, और लेजर बीम स्कैन करके जो होता है आपको क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करवा देता है, एक हार्ड कॉपी निकल के आती है आपकी, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका लेजर प्रिंटर्स काम करते हैं। लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, और ये कैसे टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं लेजर बीम पर। समझ में आ गया? तो लेजर प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑन द पेपर बाय डायरेक्टिंग द लेजर बीम। बीम मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइट की रेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बीम, ठीक है ना। तो लेजर बीम जो है यहाँ पर यूज करी जाती है, और कैसे करी जाती है, वो इसी तरीके से करी जाती है, बेसिकली ड्रम स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, देखिए ऐसा कुछ होता है आपका लेजर प्रिंटर, है ना, आपने जरूर देखा होगा। मोस्ट कॉमन फॉर्म घर में जो आप प्रिंटर्स होते हैं वहां पर आपके इसी तरीके के प्रिंटर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है आपकी पूरी की पूरी लेजर बीम जो होती है वो एक ड्रम पे डायरेक्ट करवाई जाती है, ताकि इमेजेस जो है वो आपकी पेजेस पे आ सके। इसी तरीके से जो पेपर है वो रोल करता है ड्रम के साथ में, और आपका जो प्रिंटर है वो इमेजेस को प्रिंट करता जाता है, जो मैंने पूरी चीजें यहाँ पर लिखी है। हालांकि पूरा मैकेनिज्म भी मैंने लिखा है लेजर प्रिंटर्स का, इतना आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर फिर भी कोई पढ़ना चाहता है फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपके लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो हाई क्वालिटी प्रिंट करते हैं और क्वाइटली काम करते हैं, नॉइज जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, बहुत मिनिमम सी नॉइज जो है वो आपकी यहाँ पर होती है, बट अदरवाइज इट इज नॉट वेरी नॉइजी, ठीक है ना। जब होम यूजर्स की हम लोग बात करें तो ये कितने पेजेस पर मिनट कर देता है, 8 पेजेस पर मिनट, याद रखिएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं कि और ज्यादा तेज वाले अगर हम लेजर प्रिंटर्स की बात करें, डिपेंड करता है कितनी कौन सा वर्जन है, कितनी टेक्नोलॉजी है उसकी, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 21,000 लाइन 21K लाइंस पे प्रिंट कर सकता है ये पर मिनट। समझ में आ गया? एक तरीके से आपका लेजर प्रिंटर काम करता है। लेजर प्रिंटर्स इंक्लूड स्कैनर ऑल्सो? जी बिल्कुल, आजकल तो तीनों इंक्लूडेड होते हैं, स्कैनर, फोटो सेट मशीन और प्रिंटर, जैसे जो मेरे घर में लगा हुआ है, ऐसा होता है आपके पास, ठीक है ना। बट हाई स्पीड लेजर प्रिंटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, क्योंकि आप जानते हो जब भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो इवॉल्व करती है ओवर टाइम, तो आप देखते हैं कि जो कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप जानते हो नई टेक्नोलॉजी लगी है, कुछ नए रिसोर्सेज लगे होंगे, सो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर चली जाती है। बट अब तो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा कैसा बना दिया गया है, ऑप्टिमम बना दिया गया है, बात बहुत ज्यादा ऑप्टिमल हो गए हैं, ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, है ना। 12 से 15 हजार या उससे भी कम में आपके प्रिंटर्स जो है वो आ जाते हैं, और जिसमें भी 3 फंक्शनैलिटी होती है, 3 in 1 होता है ना, बिल्कुल बहुत बेहतरीन स्पीड इनकी हो जाती है। एडवांटेजेस मैंने कुछ लिखे हैं लेजर प्रिंटर्स के, द मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट जो है वो आपको प्रिंट करके दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेजर प्रिंटर्स आर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी आउटपुट, किसी भी प्रिंटर से आप कंपेयर कर लो, लेजर प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है बेस्ट यहाँ पर निकल के आती है, ये बहुत क्वाइट होते हैं, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और ये कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं ना, इनमें एक कैपेसिटी होती है कि ये कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, बट उसके लिए अलग से जो है कुछ फंक्शनैलिटी आपको ऐड करनी पड़ती है, कलर कार्टरेज जो है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजर प्रिंटर्स के, कि कुछ प्रॉब्लम्स है जो लेजर प्रिंटर्स के साथ आती है, लाइक फॉर एग्जांपल क्या, सबसे बड़ा तो कॉस्ट का इशू आता है, थोड़े महंगे जो है ये आपके लिए पड़ते हैं, है ना, रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं, इनसे जो सीधा है, इनसे जो सस्ता होता है वो होते हैं आपके इंजेक्ट प्रिंटर्स, या किस तरीके से वो सस्ते होते हैं वो भी आपसे बात करेंगे। यहाँ पे जो मेंटेनेंस होती है वो काफी हाई होती है, ठीक है ना, मेंटेनेंस जो होती है काफी हाई आपकी यहाँ पर चली जाती है। इसके अलावा जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर्स आपके लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है वो निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यहाँ पर निकलते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जैसा आप सब जानते हो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन से इंफ्रारेड निकलती है, आपके लिए हेल्दी नहीं होते हैं वो, तो इसी तरीके से ये जो थोड़े हजारस होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के लिए इतने ठीक नहीं होते हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी जितने प्रोज होते हैं थोड़े कॉन्स भी होते हैं, तो उसी तरीके से लेजर प्रिंटर का भी कुछ कॉन्स होते हैं। चलिए बात करते हैं इंजेक्ट प्रिंटर्स की। कलर प्रिंटिंग की वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे अच्छे प्रिंटर्स कोई माने जाते हैं तो वो आपके इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपके सामने मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इंजेक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं,
ऑलमोस्ट बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की जैसे काम करते हैं, है ना, कि कैसे इमेजेस को ड्रॉ करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाते हैं, लिटिल लिटिल डॉट्स को मिलाते हैं, जिसको आप पिक्सल भी बोल सकते हो, है ना, उस तरीके से यहाँ पर ड्रॉइंग चलती है। ठीक है, हाउएवर जो डॉट्स होते हैं वहां पर कैसे हो रहे थे, पिंस के थ्रू आ रहे थे, जो मेटल पिंस है उनके थ्रू आ रहे थे, जबकि यहाँ पर इंजेक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं हमारे, इंजेक्ट प्रिंटर्स के अंदर इंक यूज करी जाती है, इंक टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है आपकी, ठीक है ना, यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो है वो यहाँ पर यूज करी जाती है। यहाँ पर जो आपकी इंक होती है ना, उस इंक को पहले से ही आपको फिल करके रखना होता है, और इनके यहाँ पर लगी होती है एक नोजल, है ना, नोजल क्या होती है, नोजल मतलब होता है ओपनिंग, जहां से ओपनिंग होती है, जहां से इंक जो है वो स्प्रे होती है, इंक जो है वो आपकी स्प्रे होती है, और पेपर पे डॉट बाय डॉट ऐसे कैरेक्टर बनके पूरी की पूरी इमेज जो है वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके थ्रू ये कैसे मैकेनिज्म इसका चलता है, पर मेन बात आपको यही याद रखनी है, सबसे पहले तो क्या नोजल के फॉर्म में होती है, इसमें इंक भरी जाती है, अगर कैरेक्टर रेट की बात करें तो 250 कैरेक्टर्स पर सेकंड जो है यहाँ पर प्रिंट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ना इंक जो होती है वो आपकी इंस्टेंटली आपके पेपर में एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जैसे प्रिंट आया और आप टच करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि गीला गीला है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं इंक है लिक्विड, आपको ऐसा लगे लग सकता है थोड़ा, है ना, बट ऐसा नहीं होता है, इंक जो होती है वो आपकी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना, और कलर प्रिंटिंग के लिए काफी यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला इंजेक्ट प्रिंटर्स जो होती है वो आपकी वॉटर बेस्ड इंक होती है, ठीक है ना, आइडियल फॉर फोटोज एंड कलर प्रिंटिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना, बहुत सारे रेंज ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कलर प्रिंटिंग होती है, पिक्चर जो आप खिंचवाते हो, फोटो खिंचवा के आते हो ना, फिर वो आपको ऐसे बोलता है कि एक दिन के लिए तो जो होता है आपकी कुछ 30 फोटोज आएगी पर्टिकुलर पैसे के अंदर, और अगर आप अर्जेंट में करवाओ तो जस्ट डबल पैसों में 30 फोटो आती है, ऐसा होता है ना, हम सब करवाते हैं पासपोर्ट साइज फोटोज, उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेजर प्रिंटर्स क्या होते हैं, लेजर प्रिंटर जैसे मैंने आपको बोला कि एक तरीके की पाउडर टोन यूज करते हैं, टोनर यूज करते हैं इनका, सो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि टेक्स्ट के लिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, हालांकि इनमें कलर भी हम यूज कर सकते हैं, बट बहुत रेयरली जो है लेजर प्रिंटर्स आपकी कलर प्रिंटिंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर रेंज की हम बात करें तो इंजेक्ट प्रिंटर से ज्यादा अच्छी रेंज आपकी किसकी, से कम रेंज होती है आपकी लेजर प्रिंटर्स की। टाइप फॉर एग्जांपल आपसे मैं बात करूं एक प्रिंटर्स टाइप की, हाँ बिल्कुल, चलिए थोड़े और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये लेजर प्रिंटर है हमारा, ये इंजेक्ट प्रिंटर है, तो जो आपके लेजर प्रिंटर्स होते हैं ये कैसे करते हैं इमेजेस, मैंने आपको बताया था ड्रम्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, तो ड्रम्स में क्या होता है आपका, जी बिल्कुल, यूजर द लेजर टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर यूज करी जाती है, बीम्स को यूज किया जाता है, तो और बीम्स में यहाँ पर ड्रम को ड्रम पे डायरेक्ट करवाई जाती है, और उस ड्रम पर क्या होता है टोनर पाउडर होता है जो पिकअप करता है चीजों को, और इस तरीके से बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर फ्यूजन हो रहा होता है ना, तो हीट प्रोड्यूस करते हो आप बाय प्रोवाइडिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप इलेक्ट्रॉन बीम्स आप प्रोड्यूस करवा रहे हो या डायरेक्ट करवाते हो ड्रम के ऊपर, उसकी वजह से जो है यहाँ पर प्रिंटिंग होती है, जबकि जो इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो टोटली आपको पता होगा कार्ट्रिज फॉर्म के अंदर इंक पहले से आप फिल करके रखते हो, उस कार्ट्रिज को गर्म करवाया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही आप उसे प्रोड्यूस करवा प्रोवाइड करवाओगे तो कार्ट्रिज जो है वो हीटअप हो जाता है, और नोजल जो है वो आपकी इमेजेस पर स्प्रे करती है। इंजेक्ट प्रिंटर्स में इंक यूज करते हैं और लेजर प्रिंटर में एश टाइप, हाँ बिल्कुल एश टाइप इंक यूज करते हैं यहाँ पर, जो मैंने टोनर पाउडर लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पर जो है आपकी प्रिंटिंग स्पीड कहाँ पर तेज होती है, तो लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड जो होती है वो काफी तेज होती है, जबकि यहाँ पर जो है स्लो होता है ना, लेजर प्रिंटर आपका पेज बाय पेज प्रिंट कर देता है, जबकि जो आपका इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, ये मोनोक्रोम होते हैं, यानी कलर रेजोल्यूशन जो होता है वो इनका काफी अच्छा नहीं होता है, कलर्स के लिए जो होते हैं हम यूजली यूज करते हैं इंजेक्ट प्रिंटर्स को, समझ में आ गया। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिलायबल होती है या कौन सा ज्यादा यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू आपकी किस तरीके की नेसेसिटी है, अगर आप चाहते हो कि कलर प्रिंटिंग आपकी ज्यादा होती है या फिर आप पिक्चर्स बनाना चाहते हो पासपोर्ट साइज फोटो ज्यादा यूज करते हो तो इंजेक्ट प्रिंटर्स आप लगाते हो, यूजली घर में जो प्रिंटर्स यूज करे जाते हैं वो आपके लेजर टेक्नोलॉजी के होते हैं, है ना, और इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा लॉन्ग होता है, जबकि यहाँ पर जो इंजेक्ट प्रिंटर्स है उनका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, क्रिस्पी
टेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है, जैसा आप मैंने आपको बताया काफी अच्छी क्वालिटी जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना, मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा पड़ती है आपको, कॉस्टली होता है, ठीक है ना। अगर स्पेशल पेपर हो यूज करना पड़ता है आपको, आपको पता होगा कि अगर आप कभी प्रिंट आउट करने के लिए जाते हो तो जैसे कलर प्रिंटिंग के लिए तो अलग से पेपर जाता है ना, थोड़ा मोटा पेपर होता है, शाइनी पेपर होता है, उसे आप डालते हो और उसके बाद ऊपर फिर कलर प्रिंट्स होके आते हैं। जबकि जो आपका नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है ना, उसमें नॉर्मल A4 साइज की जो आपकी रिम आती है उसे आप डाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करूँ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की तो कम होती है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में कम यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके लिए होता है, ठीक है ना। जबकि आपकी जो इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं ओनरशिप कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा होती है, बार बार आपको कार्ट्रिज फिल करवाना पड़ सकता है और ना बार बार इसकी मेंटेनेंस करनी आपको पड़ सकती है, स्पेशल तरीके का पेपर यहाँ पर यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है कि जो आपको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होता है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो है आपको ऐसा लगेगा कि शुरू शुरू के अंदर आपको नहीं लगेगा कि इतना एक्सपेंसिव है, बट विद टाइम आपको लगने लगेगा। जैसा आप समझते हो ना चीजें की कुछ चीज आप खरीद लेते हो तो वन टाइम जो है आपको लगता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट बाद में उनकी मेंटेनेंस में इतना पैसा नहीं लगता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो वन टाइम आपको लगती है सस्ती है, बट विद टाइम आपको लगेगा वो महंगी है, बिकॉज उनके मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा आता है। यही होता है आपका इंजेक्ट प्रिंटर और आपका कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। याद रखना है कि जो इंजेक्ट प्रिंटर है वो कैसे काम करता है, इसके अलावा एडवांटेजेस बता दिए। लेजर प्रिंटर जो है वो फोटोकॉपी मशीन के जैसा काम करता है, डेजी मिल प्रिंटर जो होता है वो कैसा होता है, टाइपराइटर्स के जैसे काम करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो उस पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है, आपके टाइम में जो है वो ऑब्सोलेट हो गए हैं ये लोग, और अब नए तरीके के जो आपके लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर्स है वही यूज किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो आपका इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, इंजेक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो पूरी की पूरी इंक की तरह यूज करते हैं, तो टाइनी पॉइंट्स को यहाँ पर टाइनी पॉइंट्स जैसे आपको मैंने बताया नोजल से क्या होता है स्प्रे करवाया जाता है, तो इस तरीके से ये इमेज को जो है वो प्रिंट करते हैं। जबकि यहाँ पर जो आपका लेजर प्रिंटर होता है ना, वो लेजर प्रिंटर ज्योमेट्रिक शेप्स के फॉर्म में एक पूरा पेज बाय पेज भी प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। कंपैरेटिवली अच्छा चलिए मुझे बताइए कंपैरेटिवली किसकी स्पीड हाई होती है, अभी मैंने आपको बताया जल्दी से बताइए लिख के किसकी स्पीड हाई होगी। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर यूज जो आपका इंजेक्ट होता है उसमें थोड़ी ब्लर इमेज आने की कंडीशन हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेपर किस तरीके का यूज होगा उस पर डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी आएगी। जबकि जो लेजर होती है वहां पर जी बिल्कुल वहां पर ऐसा दिक्कत नहीं होती है हमारे पास, है ना। जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं एक ही तरीके के पेपर वहां यूज होते हैं और वहां पर ब्लर होने की कंडीशन नहीं होती है। जैसे आपको मैंने बताया था, अगर आपने कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो तो जैसे मैंने आपको बताया था RGB मॉडल होता है और CMYK भी होता है, CMYK मॉडल भी होता है आपका, है ना। तो जो आपका CMYK मॉडल होता है वो ज्यादा अच्छा होता है प्रिंटिंग के लिए, क्यों होता है मैंने आपको बताया था, लाइटर शेड बनाने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। इसके अलावा जो आपके मॉडल्स होते हैं कलर मॉडल्स होते हैं ना, वो कलर प्रिंटिंग क्यों आपको लगता है इतनी एक्सपेंसिव होती होगी, या फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब कलर फोटो से निकालने जाते हो तो शायद 10 रुपए या 15 रुपए का एक पेज आता है वो ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके लिए अलग से बफर आपको रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बफर मतलब क्या होता है, एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पर स्टोर होती है वैल्यूज, तो बेसिकली हर कलर का एक नंबर होता है एक तरीके से, पहले से बफर में स्टोर करना पड़ता है क्योंकि फिर कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्योंकि आप जानते हो प्राइमरली जो होता है ना, प्राइमरली तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, ये बेसिक कलर मॉडल जो होता है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स जो है वो आप बनाते हो। और आपने सुना होगा विबग्योर के बारे में, हमारे पास एक्चुअली में तो 7 ही कलर्स हैं, है ना। तो कलर फॉर्मेशन के अंदर ब्लरिंग बहुत होती है जो आपके इंजेक्ट प्रिंटर्स में आती है, जबकि आपके लेजर प्रिंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं आपको लगेगा मोर इकोनॉमिकल, बट जैसा मैंने बताया उतने टाइम आपकी इंक जो है वो कॉस्टली होती है, पेपर जो होती है वो कॉस्टली हो जाती है। लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं वो शुरू शुरू में अपफ्रंट आपको लगेगा महंगे है, बट विद टाइम आपको ऐसा लगेगा इनमें इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, प्लस ये आपके रैपिड प्रिंटिंग स्पीड के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ कुछ और प्रिंटर्स, कभी आप पढ़ना चाहे जैसे मैंने लिखा हुआ है कुछ लाइन प्रिंटर्स होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, चेन प्रिंटर्स होते हैं, बैंड प्रिंटर्स होते हैं और ड्रम प्रिंटर्स होते हैं। हालांकि ये आपकी कोर्स में नहीं है, बट मुझे लगा अगर प्रिंटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात यहाँ पर भी कर लेते हैं।
है ना, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बिजनेसेस वेयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मटेरियल आर प्रिंटेड, जब बहुत सारी प्रिंटिंग आपको करवानी होती है तो वहाँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बहुत स्लो होता है, तो वहाँ पे आप लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग की मतलब होता है कि 1200 से 6000 लाइन पर मिनट जो है ये प्रिंट कर लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं आपके पास, कुछ चेन प्रिंटर्स होते हैं। चेन प्रिंटर्स क्या करते हैं, बेसिकली चेन प्रिंटर्स के अंदर पुली लगी हुई होती है ना, पुली लगी हुई होती है और पुली फॉर्म के अंदर ये पे सर्कुलर ड्रॉप होता है, एक तरीके से सर्किट क्रिएट हो जाता है और जो है ये प्रिंटिंग करते हैं, चेन प्रिंटर्स इनको बोलते हैं हम, है ना। आगे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे स्पीड होती है चेन प्रिंटर्स की वो कैसी रहती है, तो 400 से 2500 कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर प्रिंट करने की इनकी कैपेसिटी होती है पर मिनट, है ना। ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, बट नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए कभी ऑप्शन में आ गया हो और कंफ्यूजन हो रहा हो, तो इस तरीके से आप स्पीड को याद रख सकते हैं और स्पीड की वजह से जो है वो आप आंसर कर सकते हो। बैंड प्रिंटर्स क्या होते हैं, बैंड प्रिंटर्स भी आपके एक तरीके के चेन प्रिंटर्स ही होते हैं, बिल्कुल सिमिलर लगेंगे आपको चेन प्रिंटर से, बट यहाँ पर जो होते हैं हैमरिंग कम होती है, है ना। जो हैमरिंग होती है वो यहाँ पर कम होती है कंपैरेटिवली चेन प्रिंटर से। जो आपके बैंड प्रिंटर्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, 5 सेक्शंस में आपके बैंड लगे हुए होते हैं, अलग अलग बैंड्स, और उन बैंड में हर एक बैंड में आपकी 48 कैरेक्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो सकती है, क्योंकि हर बैंड अलग तरीके की स्टाइल को प्रिंट करने की कैपेसिटी यहाँ पर रखता है। इसके अलावा आपके ड्रम प्रिंटर्स होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आपका जो इंजेक्ट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है वहां पर भी यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर में ड्रम टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, तो यहाँ पे ड्रम टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने लिखा है कि किस तरीके से जो है वो आपकी अलग अलग पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे आपको पता होगा कोई चीज सर्क्युलर है तो वहां पर बहुत ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, सर्क्युलर जगह पर अगर कोई चीज लगाओगे तो जैसे जैसे वो रोल करेगा तो बहुत सारी प्रिंटिंग पोजिशन आपको मिल जाती है ना। नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज है अलग अलग, इसमें इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट आप अपने आप देख सकते हो। जहां पर हैमरिंग होती है वो आपकी इम्पैक्ट होगा, जहां पर हैमरिंग नहीं होती है वो नॉन इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, ये तो टेक्नोलॉजीज है अलग अलग जो आपकी यूज होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो 300 से 2000 लाइन्स पर मिनट जो है वो प्रिंट करने की कैपेसिटी है रखते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्पीड किसकी तेज होती है, कैरेक्टर स्पीड किसकी, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कौन प्रिंट कर रहा है, लाइन बाय लाइन कौन प्रिंट कर रहा है, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट लेजर है और आपका इंजेक्ट प्रिंटर है, तो लेजर और इंजेक्ट प्रिंटर को ढंग से पढ़ लीजिएगा कि ना कौन क्या करता है, किस तरीके की एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उस चीज को अच्छे से याद आपको रखना है। ये कुछ एडवांटेजेस जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे लेजर प्रिंटर जो है वो पेज बाय पेज प्रिंटिंग करता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने आपसे आज डिस्कस करी, उम्मीद करती हूँ प्रिंटर्स जब आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसा आप जानते हो कि अनअकैडमी का एक नया इनिशिएटिव है, जैसा आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, यहाँ पर अनअकैडमी ने नया इनिशिएटिव लिया है क्लास 9 to 12 की क्लासेस शुरू करके, और सिर्फ 99 rupees पर मंथ के अंदर आपको यहाँ पर सभी के सभी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के अंदर। 99 rupees पर मंथ में 9 to 12 की सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी। CBSE के लिए यहाँ पर क्लासेस अनअकैडमी ने शुरू करी है, यहाँ पर भी आप मेरा कोड लगा सकते हैं Aditi10, आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे मैथ्स हो गया, DI हो गया, इसके अलावा अगर आपके पेपर 2 की बात करूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके बेस बनाना जरूरी है, तो उसके लिए भी आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत मिनिमम कॉस्ट है, 99 rupees पर मंथ का आपका यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रहता है। ठीक है, इसके अलावा जैसा आप जानते हो कि डिफेंस एग्जाम्स के लिए वाईफाई स्टडी ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जरूर यहाँ पर जाइए। और अगर किसी भी लेवल पे डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सभी कंटेंट मिल जाएगा और बेस्ट टीम जो है वो आपके लिए काम कर रही है। इसके अलावा अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो वाईफाई स्टडी आपके लिए एक नई जो है स्कीम लेके आया है, लाइव टेस्ट देने का मौका आपको मिलता है यूट्यूब पर, तो यूजली इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है, आप जा सकते हैं यहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आप ले सकते हैं और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है गाइस, इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जानते हो,
टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सारी पीडीएफ और सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हो लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स वहाँ चल रहा है। इसके अलावा भी सभी के सभी कोर्सेस धीरे धीरे आने लगेंगे, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर यूज करना चाहते हैं मेरा कोड, तो अदिति 10 जो है वो मेरा कोड है, आप यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्लस सभी एजुकेटर्स की क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस कब खत्म होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो खत्म नहीं होगा। आज से मैंने टेस्टिंग शुरू कर दी है, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग शुरू करेंगे, तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारे टेस्ट पढ़ेंगे। टेस्ट के बाद जो है वो आपसे हम लोग बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट की, रिसर्च रिपोर्ट के बाद एथिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए गाइस, तो मिलते हैं अब आपसे 1 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों से जो प्रिंटर्स के से रिलेटेड कंफ्यूज रहते हैं।